मूवी के शुरू में हम एक लेडी को देखते हैं जो कि बाहर से घर के अंदर आ रही होती है। तभी उनका बेटा जूड उसे डरा देता है। फिर जूड की मॉम अपने हस्बैंड से बात करती है। उनके हस्बैंड मोस्टली काम के सिलसिले में बाहर रहता है। किसी रात जूड के घर पर कुछ चोर घुस जाते हैं, जिस कारण से जूड की मॉम को बहुत चोट लगती है। जूड उस घटना के बाद बहुत ज्यादा साइलेंट रहने लग जाता है। उसने पेरेंट्स के साथ भी बोलना बंद कर दिया था। वही उसकी मॉम भी उस घटना के बाद रात को कभी कभी डर जाती है। इस घटना को भूलने के लिए जूड के डैड उन्हें घुमाने के लिए कहीं जंगल में ले जाता है, जहां वो एक रेंट पर घर लेते हैं और फिर ये लोग घर से बाहर घूमने जाते हैं। बाहर वो उसी घर को देखते हैं जो हमने द बॉय वन में देखा था। घर के बाहर जूड को एक डॉल मिलती है। जूड उस डॉल को अपने पेरेंट्स को दिखाता है। उसके पेरेंट्स उस डॉल को घर ले आते हैं। घर लाने के बाद वो उस डॉल को साफ करते हैं। सफाई करते समय जूड की मॉम को उस डॉल की पॉकेट में एक नोट मिलता है, जिस पर उस डॉल के रूल्स लिखे होते हैं। अब जूड डॉल के साथ ज्यादा समय बिताने लग जाता है। जूड अपने मॉम डैड को बोलता है कि डॉल ने अपना नाम ब्राम्स रखा है। अगले पल हम जूड और उसकी मॉम को ब्राम्स के पुरानों कपड़ों के पास देखते हैं। तभी उनके ऊपर एक डॉग भौंकने लग जाता है। एक बार के लिए तो जूड और उसकी मॉम डर जाते हैं, लेकिन उस डॉग का मालिक उसे शांत करता है। यह आदमी इस जगह की रखवाली करता है। घर आने के बाद जूड अपने मॉम डैड को बताता है कि ब्राम्स को डॉग से नफरत है। उसके बाद जूड ब्राम्स के रूल्स दिखाता है, जिसमें लास्ट रूल में लिखा होता है कि जूड उसे कभी भी अकेला नहीं छोड़ेगा। जूड के मॉम डैड सोचते हैं कि शायद ये सब जूड ही कर रहा है। एक दिन जूड के मॉम डैड जूड को ब्राम्स के साथ बात करते हुए देखकर बहुत खुश होते हैं, क्योंकि उस घटना के बाद आज पहली बार जूड बोला। रात के समय जूड एक डॉल को गले लगाकर सोता है, जिसे ब्राम्स देखकर खुश नहीं होता है, इसलिए वो उस डॉल को बुरी तरह फाड़ देता है। जूड की मॉम डॉल को फटा देखकर उसे सजा के तौर पर रूम में बंद कर देती है। कुछ दिन बाद वो डॉल कभी तो अपनी गर्दन घुमाता है तो कभी आंखें, यहां तक कि वो अपनी जगह भी चेंज करना शुरू कर चुका था। लेकिन जूड की मॉम अपने बेटे के कारण इन सब घटनाओं को इग्नोर करती है। वो सोचती है कि ये सब उसका वहम है। फिर हम जूड को आउटसाइड चेयर पर ड्राइंग बनाते हुए देखते हैं। तभी वही डॉग का मालिक आ जाता है और जूड को बताता है कि उसका डॉग मिल नहीं रहा है। वो आदमी ब्राम्स को ऐसे देख रहा होता है जैसे उसे कुछ तो उसके बारे में पता है। रात के समय जूड की मॉम ब्राम्स को एक टॉर्च से देख ही रही होती है कि तभी उसके मुंह से बहुत सारे अजीब से इंसेक्ट निकलते हैं, जिस कारण से वो जोर से चिल्लाती है। लेकिन जब उसका हस्बैंड लाइट ऑन करता है तो वो देखती है कि वहां एक भी इंसेक्ट नहीं है। उसका हस्बैंड सोचता है कि ये उसका वहम होगा। अगले दिन जूड की मॉम जूड की ड्रॉइंग देखती है, जिसमें उसने अजीब ड्रॉइंग बनाई होती है, जैसे डॉग को मारने की ड्रॉइंग, पेरेंट्स को मारने की ड्रॉइंग। जूड उसमें ये भी लिखता है कि अगर कोई उसको ब्राम्स से अलग करेगा तो ब्राम्स उसे मार देगा। एक दिन जूड का डैड उन्हें बताता है कि कल उनके घर पर गेस्ट आने वाले हैं, लेकिन जूड उन्हें बताता है कि ब्राम्स को घर पर गेस्ट का आना नहीं पसंद है। ये सुनने के बाद उसकी मॉम उसे चेयर से ना हिलने की सजा देती है, लेकिन थोड़ी ही देर बाद ब्राम्स उस टेबल को पलट देता है। जब ये सब जूड का डैड देखता है तो वो सोचता है कि ये सब उसकी वाइफ ने किया है, क्योंकि वो ज्यादातर समय मेंटली डिस्टर्ब रहती थी। फिर जूड की मॉम उसे रूम में बंद कर देती है, जिसके बाद वो बाहर निकल जाता है और ब्राम्स के घर चला जाता है। जूड की मॉम को जब पता चलता है कि जूड घर से बाहर चला गया है, तभी वो अपने हस्बैंड के साथ जूड को ढूंढते ढूंढते उसी घर में आ जाते हैं। जूड की मॉम जूड के फेस पर मास्क देखती है और वहीं पर ब्राम्स को भी बैठा देखती है। तभी वहां पर जूड के फादर और उस घर का चौकीदार आ जाता है। उस घर का चौकीदार उन्हें ब्राम्स की स्टोरी बताता है कि किसी टाइम में ब्राम्स ने दो लोगों को मारने के बाद खुद को भी मार लिया था। जूड के मॉम डैड सोचते हैं कि जूड ने अपनी डॉल का नाम भी ब्राम्स रखा होता है। कुछ दिन बाद उनके घर पर गेस्ट आते हैं। जूड गेस्ट के बच्चों के साथ खेल रहा होता है कि तभी एक बच्चा जानबूझकर उस डॉल पर बोल मारता है, जिसके बाद एक्सीडेंटली उस बच्चे के शरीर से एक लकड़ी आर पार हो जाती है। जूड के फादर उस बच्चे को गेस्ट फ्रेंड के साथ हॉस्पिटल ले जाता है। रात के समय घर पर सिर्फ जूड और उसकी मॉम होती है। जूड की मॉम ने जानबूझकर उस डॉल को घर से बाहर छोड़ा होता है। जूड की मॉम उस घर के बारे में सर्च कर रही होती है, जहां उसे पता चलता है कि इस प्रॉपर्टी पर बहुत सी घटनाएं हुई है और घटना के बाद वहां ज्यादातर बार डॉल पाई गई है। तभी वो देखती है कि जूड और वो डॉल गायब है। वो घर से बाहर जाने लगती है कि तभी उस घर का चौकीदार उसके सर पर गन रख देता है और घर के अंदर आकर उसे बताता है कि ये सब ब्राम्स कर रहा है और ब्राम्स ने ही उसे भेजा है ताकि वो उसका टाइम वेस्ट करता रहे, जब तक वो डॉल जूड को पूरी तरह से ना काबू में कर ले। यहाँ हमें ये पता चलता है कि इस आदमी को भी ब्राम्स ने काबू कर रखा होता है। जूड की मॉम बड़े ही चलाकी से उसको डैमेज देकर उसकी गन लेकर भाग कर वहां से उस घर में आती है। घर के अंदर जूड की मॉम उससे प्यार से बात कर ही रही होती है कि तभी वो मॉम से गन छीनकर उनके ऊपर ही गोली चलाने लगता है। लेकिन तभी जूड के फादर वहां आ जाता है
और वो उस डॉल के फेस को एक रोड से तोड़ देता है, जिस कारण से उनका बेटा होश में आ जाता है। तभी ब्राम्स का फेस अजीब से फेस में बदल जाता है, और अब ब्राम्स गुस्से में घर के चौकीदार को हवा में उठाता है और फिर उसे आग के झोंके से मार देता है। ये सब देखने के बाद जूड उस डॉल को प्यार से गोद लेता है और उसे आग में फेंक देता है, जिसके बाद उसकी सभी पावर्स डिस्ट्रॉय हो जाती है। उस दिन के बाद जूड अपने होम टाउन आ जाता है। मूवी के एंड में हम देखते हैं कि जूड ने अपने फेस पर ब्राम्स का एक मास्क लगा रखा होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।